बालसोट में एक महिला चिकित्सक पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद महिला चिकित्सक द्वारा आत्महत्या कर लेने के प्रकरण में स्थानीय चिकित्सकों ने भी मृत डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए मोर्चा खोल दिया और राजकीय बगड़े अस्पताल में चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रखा। अरिसदा संगठन के निर्देशों के तहत चिकित्सक अस्पताल परिसर में एकत्रित हो गए और बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। इस दौरान चिकित्सकों के अपने चैम्बर में देरी से बैठकर मरीज जांच करने के कारण सैकड़ों मरीज परेशान हुए, साथ ही उनके साथ आए परिजनों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं चिकित्सकों ने मामले में दोषी पुलिस अधिकारी व अन्य दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग सरकार व प्रशासन से की है। रेलवे फाटक संख्या 2 के पास से चोरी हुए डीजे को बरामद करने की मांग को लेकर लोगों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया है और पुलिस पर चोरों से मिली भगत के आरोप संबंधी नारे भी लगाए। कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, एडवोकेट बनवारी लाल बिजानिया, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल आदि लोगों के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर नारेबाजी और प्रदर्शन करने के बाद उपखंड अधिकारी मूलचंद लुनिया को ज्ञापन सौंपकर बताया गया कि 2 नंबर फाटक के पास से डीजे चोरी हो जाने के मामले में पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ज्ञापन में शहर में हुई अन्य चोरियों का खुलासा करने की मांग करते हुए डीजे बरामद करने की मांग की गई है। साथ ही जल्द कोई सकारात्मक परिणाम नहीं सामने आने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। उपखंड अधिकारी ने इस बारे में पुलिस अधिकारियों से बात कर समाधान करवाने का आश्वासन दिया। वहीं प्रदर्शन के दौरान बजरंग लाल जानू, शंकर लाल कासनिया, महबूब बड़गुजर, योगेश प्रजापत, मुकेश बिजानिया, कुणाल सेन, प्रिंस प्रेम बिजानिया, अशोक जाखड़, राजू गढ़वाल, मनोज ओम प्रकाश, रामू राम, राजवीर, जगदेव बेड़ा, भागीरथ शेराराम, सोहिल गोपालपुरिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज ज्ञापन है जो शहर में डीजे चोरी 2 नंबर फाटक के सामने से 22 तारीख को हुआ था और आज 30 तारीख हो गई है, 8 से 10 दिन हो गए हैं। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा डीजे चोरी के प्रकरण में जस की तस बैठी हुई है और ना ही डीजे को बरामद किया गया है और ना ही चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले ट्रैक्टर भी चोरी हुआ था, शहर में पिकअप गाड़ी भी चोरी हुई थी और घरों में भी ताले टूटे हैं, लेकिन आज तक पुलिस उन चोरों का पता नहीं लगा पाई है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि या तो पुलिस की चोरों से साठगांठ है, अन्यथा पुलिस हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है। ये आमजन के समझ से परे की बात है। अगर पुलिस प्रशासन द्वारा इस डीजे को जल्दी बरामद नहीं किया गया और शहर में जो चोरियां हुई है उनकी अगर पता नहीं लगाया गया तो सुजानगढ़ शहर में इसको जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। इनकलाब जिंदा। सुजानगढ़ की श्री खांडल विप्र समिति के द्वारा डॉक्टर अर्चना शर्मा लालसोट के आत्महत्या प्रकरण की उच्च स्तरीय जाँच करवाने व प्रशासन के द्वारा उन पर हत्या की धारा लगाए जाने के विरोध में एडीएम डॉक्टर नरेंद्र चौधरी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपते वक्त समिति के अध्यक्ष हरिप्रसाद चोटिया, कार्यकारी मंत्री जय प्रकाश माटोलिया, सांस्कृतिक मंत्री विनय माटोलिया, युवा मंडल अध्यक्ष मुकेश जोशी, संरक्षक वैद्य भवनलाल काजवाल, पूर्व अध्यक्ष रामावतार मंगलहारा, शिव कुमार जोशी, राजेश सुंदरिया, राजकुमार चोटिया, अरविंद बडाढ़ा, विवेक काछवाल, कमल काछवाल, विश्वदीपक काछवाल, एडवोकेट पार्थ नवहाल, मनोहर लाल शर्मा, बनवारी लाल शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे।